कांग्रेस के कई दिग्गज नेता इन दिनों परेशानियों में घिरे हुए हैं। एक तरफ आईएनएक्स मीडिया मामले में पी चिदंबरम सीबीआई और ईडी की जांच का सामना कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पार्टी के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार भी मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में बंद हैं। मगर इस मुश्किल घड़ी में कांग्रेस अपने नेताओं के साथ है और आज यही संदेश देने पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी डीके शिवकुमार से मिलने पहुंची। लोकसभा चुनाव के बाद बिखरी कांग्रेस को संभालने और पार्टी संगठन को मजबूत बनाने की कोशिश लगातार की जा रही है। एक तरफ कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पार्टी कार्यकर्ताओं को एकजुट करने के लिए बैठकें कर रही हैं, तो वहीं जांच एजेंसियों का सामना कर रहे अपने नेताओं के साथ खड़े होकर उन्हें हौसला भी दे रही है। इसी कड़ी में आज सुबह कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पार्टी के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार से मिलने पहुंची। सोनिया ने आज तिहाड़ जेल में डीके शिवकुमार से मुलाकात की। सोनिया के साथ पार्टी के कर्नाटक इकाई के प्रभारी महासचिव केसी वेणुगोपाल भी थे। सूत्रों के मुताबिक सोनिया गांधी कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार से उनकी खैर खबर लेने और उनके प्रति एकजुटता प्रकट करने के लिए वहां गई थी। सोनिया गांधी और कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार के बीच काफी देर तक चर्चा हुई। इस मुलाकात के जरिए पार्टी अध्यक्ष ने साफ तौर पर ये संदेश देने की कोशिश की कि वो मुश्किल घड़ी में भी अपने नेताओं के साथ खड़ी हैं। आपको बता दें कि डीके शिवकुमार पर लगे आरोपों को कांग्रेस की तरफ से हमेशा राजनीति से प्रेरित बताया गया है। दरअसल पार्टी के संकट मोचक कहे जाने वाले डीके शिवकुमार मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय की जांच का सामना कर रहे हैं। शिवकुमार को प्रवर्तन निदेशालय ने 3 सितंबर को अरेस्ट किया था। वो 25 अक्टूबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में है। कर्नाटक कांग्रेस के दिग्गज नेता डीके शिवकुमार कर्नाटक भवन के कर्मचारी और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ बीते साल सितंबर में ईडी ने केस दर्ज किया था। 2 दिन पहले शिवकुमार से कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमार स्वामी ने मुलाकात की थी। मुलाकात के बाद दोनों ने कहा था कि राजनीतिक मसले और व्यक्तिगत रिश्ते अलग अलग हैं। आपको बता दें कि पूर्व वित्त मंत्री और सीनियर कांग्रेस लीडर पी चिदंबरम भी मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में ईडी की हिरासत में हैं। कुछ दिन पहले सोनिया गांधी और पूर्व पीएम मनमोहन सिंह उनसे भी मुलाकात के लिए तिहाड़ पहुंचे थे। तब कहा गया था कि कांग्रेस ये दिखाने में जुटी है कि वो अपनी पार्टी के नेताओं के साथ खड़ी है और वो सभी एकजुट हैं। डीवी लाइव की रिपोर्ट।